So hi everyone and a very good evening to all of you. Welcome back once again to the series of government schemes. In today's session guys, we are going to discuss the very important and the very easy Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission Day NRLM. Aaj ki session mein hum baat karenge. Alright, so let's begin with the session. But before we begin, if you are coming here for the first time, do subscribe to our channel and press this bell icon. You can also join this Telegram group and here you will get the PDF of this session just after the completion of this session. Okay, yahan pe aapko PDF mil jayegi and iska link you will find in the description. And if you want to have a personal connect with me, you can follow me here. This is my Instagram ID. So let's talk about the session guys. But kal ka jo session hua tha DDU-GKY, some students were saying that the placement guarantee is provided to at least 70% candidates which are being trained under DDU-GKY. And I have told you that 75%, but two or three students were saying 70%. So I searched a lot regarding this, but I only found that 70, I found only 75%. 75% hi likha hua hai har jagah pe. So जैसे ये DDU-GKY का वेबसाइट है, यहाँ पे FAQs जो होते हैं उसमें भी लिखा हुआ है 75%. PIP पे भी मैंने कई जगहों पे चेक किया, 75% ही लिखा हुआ है. सो अगर उन स्टूडेंट से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कहीं 70% वाला जो डॉक्यूमेंट अगर कहीं आपने पढ़ा है वो, तो प्लीज़ उसका मुझे सोर्स बताओ, देन आई विल लुक इनटू इट. ऑलराइट, उससे पहले 75% ही हम कंसीडर करेंगे. अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है ऐसा जहाँ पे आपने 70% पढ़ा है, देन प्लीज टेल मी, मैं उसको एक बार चेक कर लूंगा, उसकी ऑथेंटिकेशन चेक कर लूंगा, एंड देन आई विल मेक द करेक्शन इफ रिक्वायर्ड. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. देखो ये वाली जो स्कीम है ना, ये वैसे दिखने में तो बहुत बड़ी स्कीम लगती है और ऐसा लगता है कि देर आर वेरियस थिंग्स टू लर्न हेयर, वेरियस थिंग्स टू रिमेंबर हेयर, बट ऐसा कुछ है नहीं. बिकॉज देर आर वेरियस सब स्कीम्स विच आर गोइंग अंडर NRLM एंड दैट सब स्कीम्स आर इम्पॉर्टेंट. ओके, डे NRLM ओवरऑल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वी ऑल नो, बट इसमें से जनरली बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा नहीं सकते हैं. ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट दी ऑब्जेक्टिव फर्स्ट. सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे. ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो नाम से ही क्लियर है इसका ऑब्जेक्टिव. रूरल मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फॉर द रूरल हाउस होल्ड. दिस स्कीम इज प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द रूरल हाउस होल्ड एंड देन लाइवलीहुड मीन्स बेसिक नेसेसिटीज. ठीक है, तो गाइज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू इरेडिकेट द पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल इन रूरल एरियाज, टू द पुअर पीपल इन रूरल एरियाज. ओके, बेसिकली इसका क्या है ऑब्जेक्टिव, पॉवर्टी इरेडिकेशन, पॉवर्टी को खत्म करना. एंड हाउ दे विल इरेडिकेट दी पॉवर्टी, बाय प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू द पुअर रूरल हाउसहोल्ड्स. जो पुअर रूरल हाउसहोल्ड्स हैं उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाएगी अंडर दिस स्कीम विच इज नोन एज डे NRLM. आई होप गाइज द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर. ऑब्जेक्टिव इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है. दे वॉन्ट टू इरेडिकेट, दे वॉन्ट टू रिड्यूस द पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग livelihood opportunities to the poor in the rural households. That's it. All right. Moving ahead to the ministry. So ministry बताने की I don't think की जरूरत पड़नी चाहिए since we are talking about the rural households. So the ministry should be Ministry of Rural Development headed by Mr. Giriraj Singh. Now these are some of the important features of this particular scheme. Now let's talk about them one by one. Number one is the universal social mobilization. अब इस फीचर में, इस कंपोनेंट में क्या है, दैट एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर फ्रॉम द आइडेंटिफाइड रूरल हाउसहोल्ड्स विल बी अ पार्ट ऑफ एनी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. यानी कि रूरल हाउसहोल्ड्स में से जो भी आइडेंटिफाइड रूरल हाउसहोल्ड्स होंगे उसमें से एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर को किसी भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर बनाया जाएगा. ओके, एंड द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू PVTGs, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, person with disabilities and the bonded labor. All right, so this universal social mobilization, it means that it intends to provide the participation, provide the membership to at least one woman member in the rural poor household, and this membership is in the self help groups. Then participatory identification of poor. So in the objectives we have discussed that the objective of this scheme is to reduce the poverty by providing livelihood opportunities to the rural
poor households. So, matlab yahan pe there is a need of identification of poor. So here in this scheme, they are identifying poor. They are identifying the beneficiary through a method which is known as participatory identification of poor. Now, what is this method? So let us say there is a village. Ye ek village hai, and there are, let us say, 1,000 people who are living here. Now these 1,000 people will decide participatorily that who are the poorest. ये जो village की population होगी वो खुद ही आपस में मिलके बैठ के decide करेंगे कि okay these are the poorest and इनको इस scheme का benefit मिलना चाहिए. And of course इसमें जो state है या जो local ग्राम पंचायत होंगी उनके भी members होंगे. They will also have the role to play under this participatory identification of poor. Alright. Then community funds. इसमें क्या है कि कम्युनिटी फंड्स एंगेज किए जाएंगे एंड देन दोज फंड्स विल बी यूज्ड टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड बाय प्रोवाइडिंग द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू द रूरल पुअर हाउसहोल्ड. फाइनेंशियल इंक्लूजन. भारत प्रधानमंत्री जनधन योजना, सबके लिए अकाउंट खुलवाया जाएगा, सबको क्रेडिट की फैसिलिटी दी जाएगी, सबको बैंकिंग फैसिलिटी दी जाएगी. लाइवलीहुड्स मतलब लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज विल बी प्रोवाइडेड टू द रूरल पुअर हाउसहोल्ड सो दैट दे कैन अर्न समथिंग फॉर हैविंग अ डिग्निफाइड लाइफ. And convergence and partnership, मतलब the various schemes are being converged to provide benefits to the beneficiaries. बहुत सारी schemes हैं, like मनरेगा है, मनरेगा को कन्वर्ज किया जा सकता है, जल जीवन मिशन को कन्वर्ज किया जा सकता है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कन्वर्ज किया जा सकता है. सो दीज आर वेरियस स्कीम एंड थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ दीज वेरियस स्कीम द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज विल बी प्रोवाइडेड टू द रूरल पुअर हाउस होल्ड टू इरेडिकेट दी पॉवर्टी. ऑलराइट, सो आई होप द फीचर्स इज क्लियर. And now, this guys is the, you know, ये target है government का कि किस तरीके से इस scheme को implement करेंगे. Implementation target क्या है? देखो सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. Just remember, 14 साल के बाद last household will be covered. 14 सालों के अंदर इस scheme को पूरी तरीके से implement करना है. उसमें जो last household होगा उसको हम cover कर लेंगे as per the target of this particular scheme. Alright, and the coverage in 10 years. Targeting 7 to 8 crore rural poor households. 10 सालों में 7 से 8 crore rural poor households को target करने का target है under this particular scheme. Now moving ahead to the monitoring mechanism. अब इसमें एक monitoring mechanism भी है, वो क्या है? This is very easy guys. Monitoring mechanism में क्या है? Number one पे we have national level empowered committee, national rural livelihood promotion society. ठीक है? Then state level पे we have state rural livelihood missions. Then district level पे we have district management units, district mission management units, I'm sorry. And at the block level we have block mission management units. That is it. Of course इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. National level पे we have the national empowered committee. Then we have the state rural livelihood missions. Then at the district level we have district mission management units. Then at the block level we have block mission management units. Now let's talk about the things guys that you have to remember. These are the things to remember. और दो ही तीन चीजें हैं, बस वो याद रख लोगे तो बस आपका काम हो जाएगा. और इसमें से जनरली जो क्वेश्चन आएगा ना वो आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा कि आइडेंटिफाई द स्कीम. इस टाइप का क्वेश्चन इस स्कीम में सब बहुत बार आ चुका है कि देयर इज अ पैसेज गिवन एंड आफ्टर रीडिंग दैट पर्टिकुलर पैसेज यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट स्कीम. ओके, सो इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2011. ठीक है, एंड इट वॉज लॉन्च्ड एज आजीविका एनआरएलएम, आजीविका एनआरएलएम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, बट इट वॉज रीनेम्ड इन द ईयर 2015 एज दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. ओके, डू रिमेंबर दीज टू फैक्ट्स. इट वॉज लॉन्च इन 2011 एज आजीविका एनआरएलएम बट देन रीनेम्ड एज डे एनआरएलएम इन द ईयर 2015. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस स्कीम इज बींग सपोर्टेड बाई द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो. मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें सारा पैसा वर्ल्ड बैंक दे रहा है. द कंप्लीट फंडिंग इज नॉट बाय द वर्ल्ड बैंक बट यस द पार्शियल सपोर्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द वर्ल्ड बैंक. ऑलराइट, एंड इसका जो लॉन्च है, इसका जो ये लॉन्च हुआ था 2011 में, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है. जस्ट रिमेंबर दिस, दिस स्कीम इज अ रीक्रिस्टीन फॉर्म ऑफ द अर्स्टवाइल 1999 स्कीम विच वॉज स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना. स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना वॉज अ स्कीम दैट वॉज लॉन्च इन द ईयर 1999 विद द सेम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डे एनआरएलएम. ओके, बट लेटर ऑन इट वॉज आइडेंटिफाइड दैट द स्कीम इज नॉट
the scheme was not being implemented properly, as so many people were not included into the SHGs. Only 22% of the beneficiaries were then the members of SHGs. Iske alawa the states were not giving the funds to the projects under SGSY, Swarn Jyoti Gramin Swarozgar Yojana. So then later a committee was formed. Committee was formed under the chairpersonship of Professor Radhakrishnan. Professor Radhakrishnan ki chairpersonship mein ek committee banai, and this committee recommended that there is a need of reforms and there is a need of rechristened form of this particular scheme. So then in the year 2011, this Swarn Jayanti Gramin Swarozgar Yojana was rechristened as Ajivika NRLM, and then it was renamed as Day NRLM, all right, in 2015. Funding pattern, that's very easy guys. It is a centrally sponsored scheme. Just remember this. It is a centrally sponsored scheme. Ye ek centrally sponsored scheme hai, and hence the funding pattern is 60-40, 90-10 and 100% for UT. 60-40 is for the normal state. For northeastern states or the Himalayan states, it is 90:10. Matlab 90 by the central government and 10 by the state government. All right. And 100% if it is a UT. Moving ahead to the sub schemes under Day NRLM. So these are some of the sub schemes. Inke naam yaad rakh lo, iske detail mein jaane ki zarurat nahi hai, because these are not so much important for the exam. Like we have Ajivika Gramin Express Yojana, then we have Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana, Startup Village Entrepreneurship Program, and then National Rural Livelihood Projects. So these are some of the sub schemes under this Day NRLM. Agar zarurat padegi to I will bring to you the details of these schemes. Agar zarurat nahi padegi to hum nahi padenge. All right. Now remember, in the year 2020, this is the news of October 2020. Do remember this. The Union Cabinet has approved a special package worth ₹520 crores in the UTs of Jammu and Kashmir and Ladakh, okay, for a period of 5 years up to the financial year 2024. Okay, financial 2023-24, and this was to ensure the funding of Day NRLM. Okay, yaad rakhna, ₹520 crore kiske liye diye the? UTs of Jammu and Kashmir and Ladakh ke liye. Isse pehle, when there was the applicability of Article 370 in Jammu and Kashmir, then this scheme was not implemented there. There was another scheme which was named as Umeed. Umeed. This Umeed scheme was on the lines of Day NRLM, but after the abrogation of Article 370, after the removal of Article 370, now the Day NRLM is being implemented in JNK, and for that ₹520 crores were provided. All right. So guys, this was about the scheme. I hope the scheme is clear, and now let's look at it once again. So what is the objective of this scheme? To reduce the poverty by providing livelihood opportunities to the rural poor households. Ye iske kuch components hai, universal social mobilization, to provide membership of at least one woman member of identified rural household in a self-help groups, and isme jo special emphasis hai wo PVTGs, PWDs or bonded labor ko hoga. Participatory identification poor is a method to identify the poor in a particular area, and this method envisages the inclusion of the population of that particular village jahan ki hum baat kar rahe hain. Community funds के थ्रू प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए काम होगा, एंड देन कन्वर्जेंस एंड पार्टनरशिप ऑफ वेरियस स्कीम. 14 साल के अंदर लास्ट हाउस होल्ड विल बी कवर्ड, एंड इन दी 10 इयर्स द टारगेट इज टू कवर 7-8 करोर रूरल पुअर हाउस होल्ड. दिस इज द मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, नेशनल एम्पावर्ड कमेटी, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट, एंड देन ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट. It was launched in the year 2011 as Ajivika NRLM, and then it was renamed as Day NRLM in the year 2015, and it is also partially supported by World Bank. It is a centrally sponsored scheme, so funding pattern is 60-40, 90-10 and 100-0. These are the sub schemes, and this 520 crores is provided to the UTs of Jammu and Kashmir and Ladakh. All right, so guys, now let's talk about the questions that can be asked. Swarn Jayanti Gram Swarozgar Yojana was launched in 1999. The scheme was restructured in the year 2011 with some improvements in its feature. The restructured scheme has a target of covering 7-8 crore poor rural households in 10 years. Identify the restructured scheme. So this type of question can come in your exam. And of course, the correct answer to this question is Day NRLM. And remember,
सॉरी 2011 की बात हो रही है। द करेक्ट आंसर गाइस, देखो ऑप्शन में ये दोनों नहीं हो सकते, आजीविका एनआरएलएम और डीएनआरएलएम दोनों नहीं हो सकते। लेट अस से दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। सो द करेक्ट आंसर शुड बी डे एनआरएलएम। ऑलराइट, डीएनआरएलएम और आजीविका एनआरएलएम एक ही बात है, तो दोनों ऑब्वियसली ऑप्शन में नहीं आएंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर टू, द डे एनआरएलएम स्कीम इज सपोर्टेड बाय विच इंटरनेशनल बैंक। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। This is being supported by World Bank. Option D, World Bank, headquartered in Washington DC and headed by David Malpass. So guys, that's it for the scheme. I hope the scheme is clear and all the questions are also clear. Thank you so much for watching. Goodbye, take care and God bless.